देने के लिए डॉक्टर छाया, तो वो भी बहुत अच्छी थी। और क्योंकि पहले, और आप में से कई लोगों ने मेरे आज जो मैंने एक फ़ोटो पोस्ट की कम्युनिटी पे, वो आपने देख ली होगी कि आज ही हुई थी, अल्लाह करम से अभी वो ठीक है और कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। और बस इन 2-3 दिन से कोई, ऑब्वियसली बात है, कोई वीडियो नहीं गया है। आप में से कई लोग पूछ रहे थे कैसी है, तो उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं था मैं कि मैं ज़्यादा अपडेट कर पाऊँ या वीडियो बनाऊँ, लेकिन आज हो गया है सब। और सर्जरी करनी पड़ी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा है सर्जरी, और अल्लाह करम से सब ठीक है। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने वो चीज़ आपको बताई थी तो ये चीज़ भी अपडेट करना बनता है। हालांकि मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दिया था, लेकिन वीडियो बनाना भी बनता है मेरा। तो बस आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि इतनी सारी दुआएं आप सब ने दी हैं, जैसा मैं आपसे बोल रहा था। यस, ये तो इंशाल्लाह फिर से अच्छे अच्छे एनर्जी के साथ व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और यस, ऑब्वियसली क्योंकि 3-4 दिन से माहौल थोड़ा ठीक नहीं था, तो किसी का भी मन नहीं करेगा ऐसे वीडियो शूट करने का, व्लॉग बनाने का। तो बस इंशाल्लाह आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को पता है कि बेबी अभी NICU में है, क्योंकि बेबी प्रीमेच्योर हुआ है और इसीलिए डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में कुछ दिन रहेगा। फिर बेबी को घर ले जा सकते हैं और दीपिका शोएब दोनों मिलकर इंशाल्लाह बेबी के फेस रिवील करेगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और आप लोग भी अगर इब्राहिम फैमिली के ब्लॉग्स के वेट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इब्राहिम फैमिली की लाइफ अपडेट्स मेरे चैनल में सबसे आगे आपको मिलेगा।